तो आईपीएल 2024 का 38वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियन के बीच में पिंक सिटी जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है, जो कि राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड है। राजस्थान रॉयल्स को अपने होम ग्राउंड के 7 मुकाबलों में से 5 मुकाबले इसी वेन्यू पर खेलने थी। ये आखिरी मुकाबला है इस वेन्यू का। इसके बाद जो 2 मुकाबले राजस्थान के होम ग्राउंड के हिस्से की है, ये बरसापारा गुवाहाटी में खेला जाना है। आज के इस वीडियो में पिछले मुकाबलों का स्टैट्स कवर करते हुए ये अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे, यहां पर हो रहे मुकाबलों में हमें किस प्रकार की पिच देखने को मिल रही है, किस प्रकार के यहां पर माइंडसेट के साथ खिलाड़ी जा रहे हैं, किस प्रकार के फैक्ट निकल के आ रहे हैं, सब कुछ जानेंगे। जबरदस्त वीडियो है, अंत तक देखिएगा। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल पर आल वाला बटन ऑन कीजिए। और अब तक आप हमसे टेलीग्राम पर नहीं जुटे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर लिंक न काम करे तो टेलीग्राम पर जाके क्रिकेट एक्सपर्ट बाय विवेक के नाम से सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर टॉस के बाद सभी मुकाबलों के लिए ऑफिशियल पिच रिपोर्ट देने के साथ साथ सबके लिए बिल्कुल फ्री में हम फैंटेसी टीम भी देते हैं। दोस्तों, बात करें अगर हम जयपुर के पिच के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक ऐसी पिच देखने को मिल रही है जहाँ पर अब तक आईपीएल 2024 में जितने भी मुकाबले हुए हैं, 170 से 195, 200 के अंदर ही सारे मैचेज की सभी इनिंग यहाँ पर कवर हो रही है। एक ही तरह की कुल मिला के पिच देखने को मिल रही है, जहाँ पर बढ़िया बैटिंग हो रही है और कहीं कहीं पर थोड़ी सी गेंदबाजी भी यहाँ पर अच्छी तरीके से अपील में दिख रही है। कुल मिला के ये पिच 75 से 80% बल्लेबाजों को मदद कर रही है, जबकि 20 से 25% यहाँ पर गेंदबाजी के लिए असिस्टमेंट देखने को मिल रही है। अब तक जो यहाँ पर मुकाबले हुए हैं, उनमें से कुल मिला के आईपीएल के 56 मुकाबले इस वेन्यू पे हो चुके हैं। 20 बार पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम तो 36 बार चेज करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं। पहले इनिंग का एवरेज स्कोर 172 का है, हाईएस्ट टोटल इस वेन्यू पे चेज करते हुए बनाया गया है, जब राजस्थान की टीम 2 विकेट पे 214 बनाई थी और सनराइजर हैदराबाद इस स्कोर को चेज करते हुए 6 विकेट पे 217 करके मुकाबला जीता था। ये मैच पिछले साल आईपीएल 2023 में खेला गया था। लोएस्ट टोटल की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स की ही टीम आरसीबी के अगेंस्ट मात्र 59 बना के ऑल आउट हुई है। अब इन 56 मुकाबलों में अगर हम स्कोरिंग पैटर्न देखें पहले इनिंग का, तो 150 से कम 16 बार, 150 से 169 तक का योग 19 बार, 170 से 189 तक का योग 11 बार और 190 प्लस भी इस वेन्यू पर 9 बार बनते देखा गया है। इस वेन्यू की बाउंड्री की ओर अगर हम देखें तो स्क्वायर बाउंड्री जो कि सबसे छोटी बाउंड्री है वो 72 मीटर के रेंज की, बाकी मिड विकेट और स्ट्रेट बाउंड्री लगभग 75 से 80 मीटर के रेंज में हमको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो मुकाबले कंप्लीट हुए हैं उसके बारे में। पहला मुकाबला इस वेन्यू का आईपीएल 2024 में 24 मार्च को खेला गया था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। राजस्थान की पहले बैटिंग आती है और यहाँ पर राजस्थान की टीम संजू सैमसन की बेहतरीन 50 की बदौलत 4 विकेट पर 193 तक जाती है, लेकिन लखनऊ की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी कोलैप्स करती है, स्ट्रगल करती है राजस्थान की गेंदबाजी के सामने, 6 विकेट पर 173 तक पहुँच पाती है, 20 रनों से राजस्थान मुकाबला जीतता है। वेन्यू के अगले मुकाबले में जब 28 मार्च को राजस्थान के सामने दिल्ली कैपिटल की टीम थी, राजस्थान यहां पर पहले बैटिंग करती है और यहां पर 5 विकेट पर 185 तक पहुंच पाती है। रियान पराग की 50 इस मैच में देखने को मिलती है। दिल्ली कैपिटल की टीम यहां पर 173 तक पहुंच पाती है, 12 रन से यह मुकाबला भी राजस्थान के नाम जाता है। वहीं पर वेन्यू के तीसरे मुकाबले में जब 6 अप्रैल को राजस्थान के सामने आरसीबी की चुनौती थी, आरसीबी पहले खेलती है और यहां पर विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत 3 विकेट पर 183 बना पाती है। राजस्थान की ओर से जोस बटलर के शतक और संजू सैमसन के अर्धशतक की बदौलत 19.1 ओवर में मात्र 4 विकेट के नुकसान पर 189 करते हुए राजस्थान की टीम यहां पर भी मुकाबला 6 विकेट से जीत लेती है। वहीं पर वेन्यू के जो आखिरी मुकाबले में जब राजस्थान का सामना गुजरात से हुआ था, राजस्थान की टीम पहले खेलती है और यहां पर संजू सैमसन और रियान पराग की 50 की बदौलत 3 विकेट पर 196 तक पहुंच जाती है, लेकिन गुजरात की टीम शुभमन गिल के 72 रनों की बदौलत मैच की आखिरी पे ये मुकाबला जीत लेती है, 7 विकेट पे 199 करते हुए 3 विकेट से यहां पर गुजरात को जीत हाथ लगती है। तो इन 4 मुकाबलों में कुल मिला के 8 इनिंग के 37 विकेट गिरे। पहले इनिंग में गिरने वाले विकेटों की संख्या 15 और दूसरे इनिंग में गिरने वाले विकेटों की संख्या 22 रही, जिनमें तेज गेंदबाजी कॉन्ट्रीब्यूशन 24 विकेट का रहा। पहले इनिंग में 9 और दूसरे इनिंग में 15 स्पिनर्स को इस दौरान 12 विकेट मिले। दोनों ही इनिंग के स्पिनर्स के नाम 6-6 विकेट आए। तो कुल मिला के इन 4 मुकाबलों में 2 बार पहले इनिंग में बैटिंग करते हुए तो 2 बार ही चेज करते हुए मुकाबले जीते गए
और इन 8 इनिंगों में 173 से 199 तक के स्कोर देखने को मिले। तो कुल मिला के अंतिम मुकाबले में भी हम उम्मीद करेंगे 180, 190 या 200 के आसपास का स्कोर बनते देखा जा सकता है, जिसमें गेंदबाजी को भी थोड़ी बहुत असिस्ट मिलने की उम्मीद है। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।